डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट विटामिन बी. एवरीबडी नोज दैट विटामिन बी इज नॉट अ सिंगल विटामिन, दिस इज अ ग्रुप ऑफ विटामिन एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इस ग्रुप में जितने भी विटामिन हैं उसका केमिकल नाम और उसके डेफिशियंसी डिजीजेस. दिस इज रियली वन ऑफ द टफ थिंग्स टू मेमोराइज. आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप सारे केमिकल नेम्स को बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे. तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. मैं हूं डॉक्टर राज सिंह और आप देख रहे हैं सिटी ऑफ बायोलॉजी. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दैट इन दिस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वी हैव नियरली 8 विटामिन्स. And these vitamins are vitamin B1 and this is called thiamine. Vitamin B2 is called riboflavin. Vitamin B3 is called niacin. Vitamin B5 is called pantothenic acid. Vitamin B6 is called pyridoxine. Vitamin B7 is called biotin. Vitamin B9 is called folic acid. And विटामिन B12 is called साइनोकोबालामीन. तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि सारे विटामिन का जो केमिकल नाम है ये आपको पता होना चाहिए. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है. सबसे पहले ट्रिक का पीछे जो आइडिया है उसे समझ लेते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, आप सबका ड्रीम होता है कि एक फ्यूचर में आपके पास एक परफेक्ट कैरियर हो और शायद उसी के लिए आप लोग इतना ज्यादा मेहनत करते हैं. यू कीप ऑन वर्किंग हार्ड. तो देखिए स्टूडेंट, इफ यू वांट टू हैव अ परफेक्ट कैरियर तो यू नीड टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन ईच एंड एवरी एग्जाम ऑफ योर लाइफ. और यह चीज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है और आपको बार बार सिखाया जाता है, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं. और किसी भी चीज को प्रैक्टिस करने के लिए आपके स्कूलों में, आपके कोचिंग में आपको क्या सिखाया जाता है कि जो भी नोट्स आपको मिलता है उसे आप प्लीज बार बार रिवाइज करें. तो इसी के बेसिस पे आज मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया हुआ है इन सारे चीजों को याद करने के लिए. तो देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट योर टीचर ऑलवेज सेज, आपके टीचर आपको हमेशा बोलते हैं ट्राई रिवाइजिंग नोट्स, ट्राई रिवाइजिंग नोट्स. तो जैसे आप ये लाइन याद करते हैं ट्राई रिवाइजिंग नोट्स, तो यहां पे हो जाएगा ट्राई इज थायामीन, रिवाइजिंग इज राइबोफ्लेविन, नोट्स इज नियासीन. नाउ अगर आप अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है. तो देखिए स्टूडेंट, तो परफेक्ट प्रैक्टिस, परफेक्ट प्रैक्टिस बिल्ड्स, परफेक्ट प्रैक्टिस बिल्ड्स फ्यूचर कैरियर. अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपका जो कैरियर हो वो परफेक्ट हो तो ट्राई रिवाइजिंग नोट्स. क्योंकि जब भी आप अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करते हैं, परफेक्ट प्रैक्टिस बिल्ड्स फ्यूचर कैरियर. तो एक दो बार आप इस लाइन को अगर पढ़ेंगे, ट्राई रिवाइजिंग नोट्स, परफेक्ट प्रैक्टिस बिल्ड्स फ्यूचर कैरियर, तो ये सारे नाम आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे. चलिए सर देखते हैं एक बार. यहां पे ट्राई इज थायामीन, रिवाइजिंग इज राइबोफ्लेविन, नोट्स इज नियासीन. तो B1, B2, B3, देन वी हैव गॉट B5. परफेक्ट इज पेंटोथेनिक एसिड, प्रैक्टिस इज पायरिडॉक्सिन, बिल्ड्स इज बायोटीन, फ्यूचर इज फॉलिक एसिड एंड कैरियर इज साइनोकोबाल अमाइन. अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे कुछ हम लोग और रिलेशंस क्रिएट करने का कोशिश करेंगे जिससे कि ये ट्रिक हमारे लिए और भी थोड़ा आसान हो जाएगा. जैसे कि मान लीजिए यहां पे हमारा जो विटामिन B12 है, दिस इज एंडिंग इन द निमोनिक कैरियर एंड दिस कैरियर इज साइनोकोबाल अमाइन. तो साइनोकोबालामाइन आखिर कौन सा विटामिन है, तो इफ वी सी दैट दिस इज रिलेटेड टू कैरियर. नाउ आपके जितने भी कैरियर कोर्सेस होते हैं
मान लीजिए आप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं या फिर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं, एवरीथिंग ऑलवेज स्टार्ट्स आफ्टर क्लास 12। तो याद रखिएगा, विटामिन बी 12 इज योर कैरियर, दैट इज द साइनोकोबाल अमाइन। सो ये आपको डायरेक्टली ऐसे भी याद हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड में यू सिंपली काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस इज विटामिन बी 9। रिमेंबर फ्यूचर इज द फॉलिक एसिड और फॉलिक एसिड में कितने लेटर्स हैं, 9 हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी विटामिन बी 9। नेक्स्ट वन इज बायोटीन। नाउ बायोटीन, वी ऑल आर हियर द बायोलॉजी स्टूडेंट्स, तो बायोटीन को आप याद कीजिए बायोलॉजी। जब भी आप बायोलॉजी याद करोगे तो बायोलॉजी में कितने लेटर्स होते हैं, सिंपली काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दिस इज गोइंग टू बी विटामिन बी 7। तो सिंपली रिमेंबर बायोटीन इज बायोलॉजी, दिस इज गोइंग टू बी बी 7। नाउ सी स्टूडेंट्स, हियर वी हैव गॉट पाइरीडॉक्सीन और जो हमारा ट्रिक था उसमें ये आता था प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस इज पाइरीडॉक्सीन। थोड़ा सा रिलेशन क्रिएट करते हैं। प्रैक्टिस, इंडिया में सबसे कॉमन गेम है क्रिकेट। क्रिकेट में हर कोई प्रैक्टिस करता है। व्हाई वी प्रैक्टिस, वी प्रैक्टिस टू हिट सिक्सेस। तो जब भी आपको सिक्स लगाना है तो उसके लिए यू नीड टू प्रैक्टिस और जब आप प्रैक्टिस करोगे दैट इज गोइंग टू बी विटामिन बी 6। अब देखिए, सिक्स में वी हैव गॉट अ एक्स। डू रिमेंबर स्टूडेंट, वी हैव गॉट अ एक्स इन विटामिन बी 6, दैट इज पाइरीडॉक्सीन। आप देखिए, पाइरीडॉक्सीन में भी एक्स है, सिक्स में भी एक्स है और जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या लगाओगे, सिक्स लगाओगे। तो याद रखिए, पाइरीडॉक्सीन इज विटामिन बी 6। नेक्स्ट वन इज पेंटोथेनिक एसिड। तो जो पेंटोथेनिक एसिड है दिस इज विटामिन बी 5। अब देखिए, बी 5 को अगर मैं हिंदी में बोलता हूं तो दिस इज बी 5। नाउ 5, 5 को हम कैसे लिखेंगे, पी ए एन सी एच, 5। तो 5 इज पेन, पेन इज पेंटोथेनिक एसिड। तो इस तरह से आपने यहां तक याद कर लिया। नाउ सी स्टूडेंट्स, हियर वी हैव गॉट अ थायामीन। तो थायामीन, अगर इसको आप थोड़ा तोड़ते हैं तो दिस इज माइन, लास्ट में जो वर्ड है माइन, मतलब मेरा नंबर कितना है। तो ऑब्वियसली आप अपने आप को हमेशा एक नंबर में रखना चाहेंगे, तो ऑलवेज रिमेंबर माइन इज ऑलवेज 1, दैट इज विटामिन बी 1। देन वी हैव गॉट द राइबोफ्लेविन। नाउ सी स्टूडेंट, राइबोफ्लेविन स्टार्ट्स विद द रिब। हमारे पास जितने भी रिब्स हैं सारे रिब्स पेयर में होते हैं, वी हैव गॉट 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। तो हर रिब हमारे पास कितना है, 2 है, जैसे कि रिब नंबर 1 विल बी 2, रिब नंबर 2 विल बी 2, बिकॉज रिब्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। इस कारण से राइबोफ्लेविन इज गोइंग टू बी विटामिन बी 2। एंड द थर्ड वन इज द नियासीन। तो ये आप याद कर सकते हैं सर ऐसे ही, क्योंकि देखिए शुरू वाले में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Try revising notes. This is 1, 2, 3. Problem starts क्योंकि हमारे पास विटामिन बी 4 नहीं है, देन 5 है, 6 है, 7 है, हमारे पास विटामिन बी 8 नहीं है, तो कभी कभी सीक्वेंस में गड़बड़ हो सकता है। तो ऐसे कभी भी शुरू वाले में try revising notes 1, 2, 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, द परफेक्ट प्रैक्टिस बिल्ड्स फ्यूचर कैरियर। तो आप चाहें तो ऐसे भी सीक्वेंस में याद कर सकते हैं या फिर मैंने जिस तरह से आपको बताया है आप उसको उस तरह से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, इनके डेफिशिएंसी डिजीजेस। एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो चलिए उसे भी हम लोग छोटे से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले है विटामिन बी 1। तो डू रिमेंबर स्टूडेंट, B1 के कमी से होता है बेरी बेरी। तो ये आपको याद होना चाहिए कि विटामिन B1 के कमी से होता है बेरी बेरी। देन वी हैव गॉट विटामिन B2, दैट इज राइबोफ्लेविन। इसके कमी से, इसके डेफिशिएंसी से यू विल सफर फ्रॉम चिलोसिस। चिलोसिस हो सकता है या फिर एंगुलर स्टोमेटाइटिस, एंगुलर
stomatitis. Now, what is this? जो चिलोसिस है, this is nothing but the inflammation of the lips. और जो ये angular stomatitis है, ये जो आपका mouth है, इसके ये angles हैं. तो यहाँ पे inflammation हो जाता है, and this is called angular stomatitis. Then we have got vitamin B3. इसके deficiency से होता है pellagra. याद रखिएगा, vitamin B3. इसके deficiency से होता है pellagra. Then vitamin B5 is not so important for you. फिर भी मैं बता देता हूँ, vitamin B5 के कमी से होता है paresthesia. इसके कमी से होता है paresthesia. Now what is this paresthesia? Paresthesia का मतलब होता है कि you feel like someone is pricking in your legs, pricking sensation. या फिर vitamin B के कमी से you can feel a burning sensation in your foot. तो burning sensation in the legs or paresthesia is the deficiency of vitamin B5. In the similar way, vitamin B6 भी आपके लिए उतना important नहीं है, फिर भी यहाँ पे याद कर लीजिए, peripheral neuropathy. This is peripheral neuropathy. और इसके साथ साथ B6 के deficiency से you can suffer from dermatitis. या remember, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है या फिर डर्माटाइटिस हो सकता है. B5 के कमी से पैरास्थेसिया हो सकता है या फिर बर्निंग सेंसेशन इन द फुट. नाउ कम्स विटामिन B7. दिस वन इज आल्सो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट रिमेंबर स्टूडेंट, विटामिन B7 का अगर डेफिशिएंसी होगा तो दिस कैन लीड इन हेयर लॉस. हेयर लॉस हो सकता है और जो आपके नेल्स हैं वो ब्रिटल हो सकते हैं. You can get brittle nails due to the deficiency of B7. Now, B9 and B12, ये दोनों आपके लिए बहुत important है. तो याद देखिए, जो ये folic acid है और cyanocobalamin है, दोनों ही help करते हैं maturation of the RBC. और हमारा RBC जैसे जैसे mature करता है, उसका size छोटा होता जाता है. Do remember. लेकिन अगर मान लीजिए B9 का डेफिशिएंसी हो गया तो आरबीसी मैच्योर नहीं कर पाएगा और जो उसका साइज होगा वो बड़ा रह जाएगा. दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू समथिंग कॉल्ड मैक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक या फिर मेगालोब्लास्टिक, मैक्रोसाइटिक या फिर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया. तो दोनों में ही, भले B9 हो या B12 हो, दोनों में ही डेफिशिएंसी होता है. सॉरी, भले B9 हो या विटामिन B12 हो, दोनों में ही आपको इस टाइप का एनीमिया हो सकता है. मतलब कि जो आरबीसी हैं वो मैच्योर करने वाले नहीं हैं, जिस कारण से उनका साइज बड़ा रहता है. लेकिन डू रिमेंबर स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वी हैव द डेफिशिएंसी, अगर हमारे पास डेफिशिएंसी है इंट्रिंसिक फैक्टर का, अगर डेफिशिएंसी हो जाए इंट्रिंसिक फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर कम होता है तो फिर भी आपके बॉडी में B12 का डेफिशिएंसी होगा, और ऐसे केस में वी विल से द डिजीज एज परनीशियस अनीमिया. याद रखिए, दिस इज गोइंग टू बी परनीशियस अनीमिया due to deficiency of intrinsic factor या castle factor. But अगर question में केवल दिया हुआ है कि vitamin B12 का deficiency है but intrinsic factor normal है, don't write pernicious anemia. Your answer will be megaloblastic anemia or macrocytic. In the similar fashion, B9 में again my answer is macrocytic या megaloblastic anemia. Because RBC fails to mature and remains bigger in size. Next one, B7. B7 से hair loss या फिर brittle nails. Then we have B6, peripheral neuropathy and dermatitis. Then we have got B5, paresthesia and burning sensation in the foot. Then we have got B3, pellagra. And then we have B2,
chelosis and angular stomatitis, and then we have B1 beriberi. So students, I hope this was a perfect revision for your vitamin B complex chemical names as well as deficiency diseases. होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।